गूंज रहा है और हर गरीब की दिल की धड़कन है। नारे भट्टो, नारे भट्टो, नारे भट्टो, नारे भट्टो। चेयरमैन साहब को बुलाने से पहले गुजारिश करूंगा वजीर आला सिंह जनाब मुराद अली शाह साहब से कि आए और अपने ख्याल का इजहार करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, निसार अहमद खोड़ो साहब, सदर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सिंह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालो, अस्सलाम वालेकुम, जिए भुट्टो। चेयरमैन साहब आज कायदे आजम की मजार से इस नाअहल, इस नाकारा, इस अवाम दुश्मन हुकूमत को खत्म करने के लिए कराची से ये लॉन्ग मार्च शुरू कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोगों से मिलते हुए उनका पैगाम उन लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इस नाइल हुकूमत, इस बेस हुकूमत के खात्मे के लिए इनकी ताबूत में ये आखिरी कील टोकने के लिए जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे यहां कराची में ये पूरा रोड दोनों तरफ लाखों की तादाद में लोग चेयरमैन साहब के साथ शुरू हुए हैं, पूरे पाकिस्तान में चेयरमैन साहब लोगों के साथ पास जाएंगे और ये काफला इंशाल्लाह ताला इस हुकूमत के खात्मे के लिए इस्लामाबाद पहुंचेगा। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा इसलिए कि सफर बहुत तवील है और हर जगह पे लोग चेयरमैन साहब का इंतजार कर रहे हैं। मैं बस एक नारा लगा के अपनी जगह लूंगा। आप सबसे दरखास्त है कि इस नारे में मेरा भरपूर साथ दें ताकि ये आवाज इस्लामाबाद तक पहुंचे। नारे भट्टो। बहुत शुक्रिया जी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बुलाने से पहले आप लोगों ने ये यकीन दिलाना है चेयरमैन साहब को, कराची के दोस्तों ने चेयरमैन साहब को यकीन दिलाना है कि हम उनके साथ इस्लामाबाद जाने को तैयार हैं। इस्लामाबाद जाने को तैयार हो, न्याजी को भगाना है, न्याजी को भगाना है, न्याजी को भगाना है, मुल्क को बचाना है, मुल्क को बचाना है, गरीब को बचाना है, गरीब को बचाना है, गरीब को बचाना है। मैं गुजारिश करूंगा निसार अहमद खोड़ो साहब से जो सदर है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सिंध के, कि वो आपसे कुछ गुजारिशात करें, फिर चेयरमैन साहब को हम दावत देंगे। बस पनाह पनाह मांगता हूं इमरान शैतान से।
शुरू करता हूं अल्लाह के बाबरकत नाम से। जिए भुट्टो, जिए बेनजीर, जिए बिलावल, जिए आसिफ अली जरदारी, जिए बीबी आसिफा। हमारे पार्टी के दोस्तों, हमारे जियालो, सिंध के आवाम कायद आजम के मजार के सामने खड़े हुए, उनको बताना चाहते हैं कि तूने जो ये मुल्क बनाया था, आज की हुकूमत ने इस मुल्क के आवाम को तबाह कर दिया है। तुम्हारा नाम तक नहीं लेता और अब कहता है नया पाकिस्तान, यानी तबाही वाला पाकिस्तान। और यहां हमारे मुल्क के आवाम, हमारे सिंध के आवाम जहां ये नारा लगाते हैं कि गरीब को बचाना है, मजदूर को बचाना है, नौजवान को बचाना है, बच्ची को बचाना है, मां को बचाना है, तो फिर शायर कहता है उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो बिलावल साहब आपको सलाम। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने हमेशा अवाम का साथ देने के लिए अपने जानों का भी नजराना दिया है। तुमने अब गरीब का साथ निभाया, तुमने गरीब को अकेला नहीं छोड़ा, यही तेरी अजमत है, यही पीपुल्स पार्टी की अजमत है, यही हमारी जदोजहद है जो जारी है और जारी रहेगी। मैं आप सबको आपकी कामयाबी पर, आपकी लॉन्ग मार्च की कामयाबी पर आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। पाकिस्तान के अवाम को कामयाबी की मुबारकबाद देना चाहता हूं। हमें अपना हक हाकिमियत चाहिए, हमें नहीं चाहिए ऐसी हुकूमत जो मुझे मारे, मुझे बेचने पे मजबूर करे अपने आप को। मुझे नहीं चाहिए, मेरी किस्मत ये नहीं थी कि मुंह भूखा भूखा और नंगा फिरूं, खैरात मांगता रहूं। तो अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह बिलावल साहब को कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन साहब को दावत खिताब देने के लिए गुजारिश करूंगा जनाब कमर जमा कायरा साहब से कि वो आए और चेयरमैन साहब को दावत खिताब दें। साहब जाने को तैयार हो? चलोगे सारे? वकार भाई माइक अपना वाला दे। वकार भाई माइक ये दे। रहमान रहीम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी के कायदीन और कराची के जियालो, आपको मुबारक हो। आज आपने आगाज में इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे होके इस बात पे मोहर लगा दी जो चेयरमैन साहब ने कहा था कि इमरान खान तू इस मुल्क के ऊपर एक बोझ बन गया है, और अब हम कराची से निकल के तुझे पाकिस्तान से भगा के दम लेंगे, तेरी हुकूमत को खत्म करके अवामी राज कायम करेंगे। आपने आज कायद आजम के मजार पे इकट्ठे होके कराची शहर की तारीख भी दोहराई है, और इंशाल्लाह ताला अब पाकिस्तान भर में मार्च होगा और ये हुकूमत घर जाएगी। मेरे साथ मिलकर नारा लगाओ चेयरमैन को बुलाते हुए, अब आया आया, अब आया आया। इमरान खान सुन लो, हुजदार सुन लो, अब आया आया, अब छाया छाया, अब आया आया। पंजाब में भी है, सिंध में भी है, काबर में भी है, बलूचिस्तान में भी है, कश्मीर में भी है, बल्तिस्तान में भी है, अब आया आया। मैं दावत देता हूँ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, आए और आपसे मुखातिब हो।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कराची के आवाम अस्सलाम वालेकुम, जिए भुट्टो। मैं आज कराची के आवाम का शुक्रगुजार हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्कॉल पे हमारा अवामी मार्च के कॉल पे हुकूमत के खिलाफ ऐलाने जंग पे आप इतने बड़े तादाद में निकले हैं। पूरे कराची के लोग, कराची के अवाम मजारे कायद के बाहर जमा होके इस्लामाबाद के लिए एक पैगाम देने के लिए तैयार हो के गो सिलेक्टेड। साथियों, हमें खुशी हो रही है कि हमारा इस सफर का आगाज कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का शहर कराची से शुरू हो रहा है। कराची जो मिनी पाकिस्तान है, कराची जिसमें हर सूबा से ताल्लुक रखने वाले, हर जबान बोलने वाले बसते हैं और हमारा आपका दिन रात की मेहनत की वजह से, खून पसीना की मेहनत की वजह से इस मुल्क की मईशत चलती है। आपकी मेहनत की नतीजा में पाकिस्तान की मईशत चलता है और आज इस कठपुतली हुकूमत का 3 साल खत्म होने के बाद कराची के आवाम मजबूर हो चुके हैं कि वो एहतजाज करें, वो मुतालबा करें कि ये नाजायज, ना लायक, ना अहल वजीर आजम जिसने ना सिर्फ कराची के हक पे डाका मारा है, सुबह सिंध के हक पे डाका मारा है, सुबह बलूचिस्तान के हक पे डाका मारा है, सुबह पंजाब के हक पे डाका मारा है, पख्तूनख्वा के हक पे डाका मारा है। अब वक्त आ गया है कि कठपुतली को जाना है। सिलेक्टेड ने आपका वोट पे डाका मारा है, आपके जेब पे डाका मारा है, आपके पेट पे डाका मारा है। 3 साल बहुत हो चुका है, बस अब सिलेक्टेड को जाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकी सारे ऑपोजिशन जमातों के साथ मिलकर ये तय कर चुके हैं कि हम इमरान खान को, इस सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजना ही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले इस जिद्दोजहद में, इस मेहनत में सफे अव्वल का किरदार अदा कर रहे हैं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप इस तहवील सफर के लिए तैयार हो, जिद्दोजहद करने के लिए तैयार हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो। अगर आप हमारे साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत
हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। कायदे आजम ने हमसे वादा किया था, कायदे अवाम ने हमसे वादा किया था कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क होगा, वफाकी मुल्क होगा, पार्लियामानी जमहूरियत चलेगा और अवाम के मफाद के लिए मईशत चलेगा। खान साहब ने जमहूरियत का जनाजा निकाला है, इमरान ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, इंसानी हकूक पे हमला कर चुका है। अब हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कायदे अवाम का नाम मुकम्मल मिशन को मुकम्मल करने के लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करने के लिए मैं आपका साथ मांगता हूं, आपकी साथ का जरूरत है। इंशाल्लाह ताला हम जमहूरियत को बहाल करेंगे। हम 1973 का आईन का तहफ्फुज़ करेंगे, हम मुसावात पे मबनी मईशत का बंदोबस्त करेंगे और हर पाकिस्तानी का हुकूक का तहफ्फुज़ करेंगे। इंशाल्लाह ताला जब भी अवाम को इनको हुकूक मिला है, जब भी आपको आपका हक मिला है, जब भी नौजवानों को रोजगार मिला है, जब भी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, पेंशन में इजाफा हुआ है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत के वक्त में हुआ है। इमरान ने वादा किया था कि करप्शन का खात्मा करेगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है कि 3 साल में इमरान ने करप्शन के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं। सिलेक्टेड हुकूमत मुल्क की करप्ट तरीन हुकूमत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत ने सारे सूबों को उनका हकूक दिए तरमीम तरमीम की सूरत में, अपने वसाइल के मालिक बनाया NFC की सूरत में। ये 18वीं तरमीम को खत्म कर रहे हैं, ये NFC अवार्ड ने NFC अवार्ड दे भी नहीं रहे हैं। हर सूबे के हकूक पे डाका मार रहे हैं। मुराद अली शाह साहब और उनकी पूरा हुकूमत सिंध के हाथ बांधे हुए हैं, मगर इसके बावजूद कम वसाइल NFC ना मिलने के बावजूद दिन रात मेहनत करके, कम वसाइल के साथ ज्यादा मेहनत करके, वो फिर भी इस शहर और इस सूबे के अवाम की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम इमरान को भगाएंगे, इंशाल्लाह ताला अवामी हुकूमत आएगा, सारे सूबे को उनका वसाइल मिलेंगे और जब सारे सूबे को उनका हक मिलेगा तो सारे शहरों को उनके हक मिलेगा। पूरे वसाइल के साथ हम मेहनत करेंगे, मजीद आपके लिए काम कर सकेंगे। लेकिन जब तक ये कठपुतली है, जब तक ये सिलेक्टेड है, जब तक ये PTIMF डील है, ना सिंध तरक्की कर सकता है, ना पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, तो आए इस हुकूमत के खिलाफ हम जिद्दोजहद करते हैं। हम आप से पूछते हैं, क्या आपका एतमाद अगर इस हुकूमत से उठ चुका है तो वक्त आ गया है कि हम हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए, जमहूरी हथियार अपनाए और इमरान खान को भगाए।
एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारा अवामी मार्च का इब्तदा इतना शानदार तरीका से किया है, इतना शानदार तरीका से किया है कि अब आप देखें जैसे हम इधर से निकलते हैं तो बनी काला से चीखे आएंगे। इंशाल्लाह ताला हमारा सफर कराची से लेके इस्लामाबाद तक का आगाज आज से शुरू हो रहा है। हम आपके मुतालबात, आपके मसाइल इस मुल्क के हर शहर के अवाम के सामने रखेंगे, उनसे अपील करेंगे कि वो भी हमारे साथ शामिल होके इस्लामाबाद का रुख करे। और इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद पहुंच गए, इस्लामाबाद पहुंच के हम इस हुकूमत पे हमला करेंगे। तमाम साथियों से गुजारिश है कि अपनी अपनी गाड़ियों में आप बैठेंगे और ये तमाम गाड़ियां इस ट्रक के पीछे चलेंगी जहां से ट्रक ने जाना है। कुछ गाड़ियां मुझे नजर आई है कि वहां से वो टर्न कर रहे हैं। बड़ा मेहरबानी इस रैली के आगे मत आइए, इसी रूट पर रहिए जहां से ट्रक ने जाना है। अगर आप आगे जाएंगे तो हमारा रास्ता ब्लॉक होगा। मेरी तमाम वॉलंटियर से गुजारिश है कि जो गाड़ियां यहां से टर्न करके आगे से जाना चाह रही हैं उनको रोकें। चेयरमैन साहब के ट्रक के पीछे हमने चलना है। आप तमाम भाई, मेरी बहनें, मेरे वकला भाई खड़े हैं, सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे हैं। पीएसएफ के नौजवान हैं, यूथ के नौजवान हैं, अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे हैं और चेयरमैन साहब के साथ इस्लामाबाद की तरफ चलना है। नारा भुट्टो। जो डीएसएनजी हैं टीवी चैनल्स की, उनको आगे निकालने की जगह दे दें। जो डीएसएनजी हैं उनको आगे निकालें और ये जो गाड़ियां इस तरफ खड़ी है बड़ा मेहरबानी है रास्ता खोलें ताकि डीएसएनजी आगे जाएं। ये दो चार गाड़ियां हैं, इसे हटाएं आप। ये मुझे गाड़ी नजर आ रही है। जब शहीद मातरमा बेनजीर भुट्टो ने आपके साथ मांगा तो आपने शहीद बीबी के साथ दिया और हमने इस मुल्क की किस्मत तब्दील कर दी। अब मैं एक बार फिर आपके पास आया हूं। जब मुल्क मुश्किल में है, जब आवाम परेशान है, जब मुल्क भर में मुआशी बहरान है, आपका साथ मांगने के लिए, अवाम का साथ मांगने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की ताकत में यकीन रखती है। हमारा मानना यह है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। हम जिद्दोजहद कर रहे हैं तो अवाम के हकूक के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। हम जिद्दोजहद कर रहे हैं तो आपके जमहूरी हुकूक की जिद्दोजहद कर रहे हैं, आपके हक हुकमरानी की जिद्दोजहद कर रहे हैं ताकि आपका वोट का तहफ्फुज़ हो, ताकि आप इस मुल्क की क़यादत का चुनाव आप खुद करें। हम आपके लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं ताकि आप फैसले ले सकते हैं इस मुल्क की मुस्तकबिल के बारे में, इस मुल्क की मुआशी फैसले के बारे में, इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के बारे में। ये फैसले किसी कठपुतली नहीं ले सकता, इस मुल्क के अवाम लेंगे, बदीन के अवाम लेंगे इंशाल्लाह ताला। कठपुतली
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चियालों से खौफ सदा है। जब उनको नजर आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद ले आने का फैसला किया, तो वजीर आजम घबराना शुरू कर दिया। आपको नजर आ रहा होगा, उसने अपने कुछ वजीर सिंध के दौरे पे भेजे हैं, वो वजीर जिन्होंने हमारा फॉरेन पॉलिसी का ख्याल रखना है, वो सिंध के दौरे से निकले हुए हैं अपना कठपुतली का दिफा करने के लिए, अपना वजीर आजम का दिफा करने के लिए। ये किसी सियासी जमात का हुकूमत नहीं है, ये सियासी यतीमों का टोला को इकट्ठा करके, सियासी लोटे को इकट्ठा करके इस कठपुतली को हम पे मुसल्लत किया गया है। इंशाअल्लाह ताला हमें वह अवार ताकत को साथ मिला के इस कठपुतली को घर भेजेंगे। ये लोटे और सियासी यतीम हमसे पूछते हैं कि आपने क्या किया, उनका वजीर आजम पूछते हैं, हमसे पूछते हैं कि हमने क्या किया। मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीन नस्लों से इस मुल्क की खिदमत कर रही है, तीन नस्लों से इस मुल्क के गरीबों की खिदमत कर रही है। बहुत कुछ रहता है करने के लिए, लेकिन जो भी आपको नजर आता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को आईन दिया, इस मुल्क को जमहूरियत दी, हर शख्स को वोट का हक दिया, मजदूरों को हकूक दी, गरीब किसान को जमीनों का मालिक बनाया, इस मुल्क को एटॉमिक ताकत बनाया, इस मुल्क की मुआशी तरक्की के बंदोबस्त की। मगर जब हम मुआशी तरक्की की बात करते हैं तो हम अपना एटीएम्स की मुआशी तरक्की की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस मुल्क के किसानों का मुआशी तरक्की की बात कर रहे हैं, इस मुल्क के मजदूरों की मुआशी तरक्की की बात कर रहे हैं, इस मुल्क के औरतों की मुआशी तरक्की की बात कर रहे हैं जिनको आज तक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये इंकलाबी मंसूबा के नतीजे में आज तक माली मदद मिल रही है। ये तो इनको क्या समझ आएगा जो खुद अवाम की वोटों की वजह से हुकूमत में नहीं है, वो अवाम का मसाइल को नहीं समझते हैं, वो अवाम का दुख दर्द को नहीं समझते हैं, वो अवाम की तरफ ही नहीं देखते हैं, अवाम का मसाइल का हल करने की कोशिश नहीं करते हैं। वो जिनकी वजह से आए हैं उनको खुश करते रहते हैं, अवाम भूखा रहे तो उनका कोई परवाह नहीं होता है। हम असल तब्दीली चाहते हैं, हम असल तब्दीली चाहते हैं, जो कायदे अवाम ने हमसे वादा किया था, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हमसे वादा किया था। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असूल में यकीन रखते हैं और इन्हीं असूलों के मुताबिक इस मुल्क को चलाना चाहते हैं कि इस्लाम हमारा दीन है,
जम्हूरियत हमारा सियासत है, मुसावात हमारा मीशत है, ताकत का सच चश्मा अवाम है। ये जो सियासी यतीमों हमसे पूछ रहे हैं कि हमने क्या दिया, अब वक्त आ गया है कि कठपुतलियों को हिसाब देना पड़ेगा कि इन्होंने क्या किया। जिस शहर कराची से मैं निकला हूं, जिस सारे फैसल से मैं गुजरा हूं, पहले भुट्टो शहीद ने वो सड़क बनाया, और अगर उस सड़क को हमने बनाया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। उसी शहर कराची से गुजरते हुए जहां हमें अबाशी शहीद हॉस्पिटल नजर आते हैं, जिसकी बुनियाद कायदे अवाम ने रखा, वहां NICVD जैसे मुफ्त इलाज के दिल के हॉस्पिटल्स नजर आते हैं, JPMC जैसे इदारे जहां आज मुफ्त इलाज करवाया जाता है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी ही बनाया है। हम जब कराची से निकलते हैं तो वहां कायदे अवाम का दिया हुआ स्टील मिल है, अगर वो स्टील मिल बंद पड़ा हुआ है तो इन कठपुतलियों की वजह से, इस सेलेक्टिव की वजह से, उस स्टील मिल से आगे बढ़ते हम छट्टा की तरफ, तो वो कराची थट्टा ड्यूअल कैरेज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाया, मैंने अपने हाथों से उसका इफ्तिताह किया। जेब मुल्लाकातिया ब्रिज, जो इंडस का सबसे बड़ा ब्रिज है, वो मैंने अपने हाथों से उसका इफ्तिताह किया। आज अगर मैं बदीन में खड़ा हूं तो मैं जानता हूं कि कायदे अवाम ने बहुत कुछ किया, मैं जानता हूं कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने बहुत कुछ किया, मैं जानता हूं कि अभी भी जो यहां का इंडस हॉस्पिटल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ सिंध हुकूमत ने दिया है, वहां मुफ्त इलाज चलता है, और मैं और काम बदीन के अवाम करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस सूबे को उसका हक मिले, NFC शहर के मुताबिक आपको अपना वसाइल मिले, 18वीं तरमीम के मुताबिक आपको अपना अख्तियार मिले, ताकि आप अपने वसाइल में से अपने मसले हल कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि CM साहब बहुत मेहनत कर रहा है, मगर हाथ बांध के मेहनत कर रहा है। जहां आपका NFC पे डाका मारा गया, जहां आपका सूबा का वसाइल पे डाका मारा गया, जहां आपके 18वीं तरमीम के मुताबिक इख्तियार पे डाका मारा गया, इस सब कुछ के बावजूद CM साहब मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जब आप कामयाब होंगे, हम वफाकी हुकूमत बनाएंगे, जब हम वफाकी हुकूमत बनाएंगे तो आपको आपका हक मिलेगा। मैं तो पूरा रात इधर खड़ा होकर आपको बता सकता हूं कि पीपल्स पार्टी ने क्या किया। आपको तो पता है, इनके पटरियों को तो खताब दीन सजावल का पता ही नहीं है, उनको क्या पता होगा कि हमने क्या किया। हमारा नजदीक थरपारकर है, थरपारकर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने थर का काला सोना, थर का कोयला को निकाला, बिजली बना रहा है और फैसला बाद तक पहुंचा रहा है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। मैंने कराची का NICVD दिल का हॉस्पिटल, जहां 100% मुफ्त इलाज होता है, उसका तो जिक्र किया है, मगर आगे जाके जब मैं टंडो मोहम्मद खान पहुंचता हूं, वो कराची जितना बड़ा शहर नहीं है, मगर वहां भी हमें NICVD बना दिया, जहां 100% मुफ्त इलाज होता है। ये तो तब है जब आप हमें अपना वसाइल नहीं दे रहे हैं,
ये जो वो काम है जब आप हमें पूरा हकूक नहीं दे रहे हैं, जब हमें अपना हक मिलेगा, जब हम अपने मसाइल का मालिक करेंगे तो हम इस पूरे मुल्क में इज्जत चला सकते हैं। हम चाहते हैं कि आपको आपका मेहनत का सिला मिले। इमरान के पाकिस्तान में आप मेहनत तो करते हो, हर आदमी दिन रात मेहनत कर रहा है, मगर मुआशी बहरान की वजह से, PTIMF डील की वजह से, महंगाई की वजह से हर आदमी की जिंदगी मुश्किल हो गया है। मजदूर मेहनत तो कर रहा है मगर मेहनत का सिला नहीं मिल रहा। हारी भी मेहनत कर रहा है मगर फसल की कीमत नहीं मिल रहा। नौजवान मेहनत कर रहे हैं, तीन डिग्रियां हाथ में लेकर फिर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं मगर रोजगार नहीं मिल रहा। आपको पता है ये क्यों है? वो सिर्फ इसलिए कि आपका वजीर आजम का पुतली है, सिर्फ इसलिए कि आपका वजीर आजम सिलेक्टेड है, सिर्फ इसलिए कि आपका वजीर आजम धांधली के नतीजे में वजीर आजम बना है। और बदकिस्मती ये है कि दीन के एक सीट में भी धांधली करके उसका एक वोट का बंदोबस्त किया। जो भी जिस जराइम में, जिस जुर्म में, जिस नाइंसाफी में, जिस जुल्म में ये कठपुतली मुलविस है, अफसोस के साथ वो बदीन का एक वोट भी मुलविस है। जब PTIMF का पहला बजट आया, जब PTIMF का दूसरा बजट आया, जब PTIMF का तीसरी बजट आया, पाकिस्तान के अवाम का जेब पे डाका मारा, पाकिस्तान के अवाम के पेट पे डाका मारा, महंगाई में इजाफा हुआ, गुर्बत और बेरोजगारी में तारीखी इजाफा हुआ, तो उस हर एक वोट पे ये छीना हुआ, चोरी हुआ वोट शामिल है। ये पाकिस्तान का आवाम का मुतालबा है, ये बदीन का आवाम का मुतालबा है कि जिस जो भी निशान हो, जो भी मुंतखिब नुमाइंदा नेशनल असेंबली में बैठा है, अब आवाम का एतमाद उठ चुका है, अब पार्लियामेंट का एतमाद इस वजीर आजम से हमें छीनना, अदम एतमाद लेकर आना है। अगर पार्लियामेंट में हम अदम एतमाद लेकर आएंगे तो पूरा मुल्क को नजर आएगा, हर शख्स को नजर आएगा कि कौन कौन सिलेक्टेड के साथ खड़ा है और कौन पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ा है। हमारा रास्ता तवील है। हमने इस्लामाबाद तक पहुंचना है। मैं बदीन के अवाम से पूछता हूं, क्या आप हमारे साथ देंगे? क्या आप हमारे साथ चलोगे? क्या आप इस कठपुतली के खिलाफ जंग लड़ोगे? अगर आप हमारे साथ हो तो इंशाल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत बदीन के अवाम की होगी, जीत पाकिस्तान के अवाम की होगी। जिए भुट्टो सदा Shabbat! Thank you!
SSA इंसानियत चैनल के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम तर नोटिफिकेशन से बाखबर रह सकें। शुक्रिया।